ज्यादा इच्छा है सब सारे चीज बोलने के बाद छह आदमी छह सच बोलने के बाद आम निकला। आम को पकड़कर वो माया आम था कृष्ण का बनाया हुआ, तो आम को पकड़कर उसी ब्राह्मण सीधा गया तालाब के पास। उसको तालाब जाना था, थोड़ा सा रिफ्रेश होना था। तो उसी ब्राह्मण ने अपना धोती और ये सब आम फाम को रखने के समय और एक ब्राह्मण रूप पकड़ के कृष्ण उसके पास पहुंच गया। बोले ब्राह्मण जी कहाँ जा रहे हैं? ये बोला मैं थोड़ा सा इधर जाता, मैं सच बताऊ ना क्यों ऐसा बापा कमाऊ, मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बोला नहीं नहीं दुर्योधन मेरे को भेजा था, वो पांडव लोगों का मैं किया हूँ और वहां जाने के बाद मेरे को बहुत पुरस्कार मिलने वाला है। तो बोला क्या पुरस्कार क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा? ये जो आम ले रहा हूँ ना, ये आम अगर मैं दुर्योधन को दे दू तो ये आम है। अच्छा, ये आम कैसे निकला? नहीं ऐसा ऐसा सच बोलने से निकला, इसका मतलब इसको अगर झूठ भी बोल दिया जाए तो ये आम भी नहीं रहेगा। बोला हो सकता है, चलो मैं झूठ बोलता हूँ। बोला और श्री कृष्ण एक से झूठ बोला, उसे एक सौ झूठ पूरा सारा महाभारत में वर्णित है। वो बोलता है पर्वत के ऊपर पदम फूल फूटा, एक झूठ पदम फूल हुआ, एक झूठ। दूसरा मेल आदमी बच्चा पैदा किया, दो झूठ। सांड बच्चा पैदा किया, दो तो तीन झूठ। सूरज पश्चिम में निकला, चार झूठ। ऐसे एक सौ झूठ सारा महाभारत में वर्णित है। और एक सौ झूठ जैसा खत्म हो गया, आम उभन हो गया, नहीं था आम। तो ब्राह्मण सर पे हाथ दिया तो ये ब्राह्मण बोला अगर वो आम माया के ही था तो तू इस माया में क्यों पड़ता है? जवाब आम का देखा ब्राह्मण ही क्यों है? ब्राह्मण ही देश चला जाता है उसी समय, और कौन चला जाता है? दुर्योधन ब्राह्मण की तो भेजता, दूसरे को भेजता तो समझ में नहीं पाता कि इतना डिप्लोमेसी कर, ब्राह्मण डिप्लोमेसी करता है, उसी जो डिप्लोमेसी करके आम का लेने के लिए कहा, झा मिश्रा को पूछ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दी स्टोरी। ऐसे आई हैव मोर देन अबाउट 10 to 15 स्टोरीज दैट आई कैन टेल। अनदर थिंग, एक असुर और जो आर्य द्राविड़ का जो डॉक्टर देवेंद्र जी जो कहे हैं, दैट इज ए रियलिटी दैट इफ यू सी द होल महाभारत सरला महाभारत फ्रॉम आर्य द्राविड़ एंड थोक पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल फाइंड ए लॉट ऑफ द्राविड़ एलिमेंट्स हैव बीन इमोलेटेड बाय द। एक असुर कहता है कि ब्राह्मण तपस्वी का मांस काट के खाने से मेरा शरीर का सारे रोग दूर हो जाएगा, लिखा है उसने। एक कोदाला सब असुर था जो बोला कि मैं दुर्योधन को मार दिया, मारने के बाद उसको बोला रात को नहीं खाऊंगा सुबह खाऊंगा। तो कर्ण जो गिरा था, कर्ण भी मोहित मोह हो चुका था। तो सुबह हुआ कर्ण कान में उसका सूरज किरण पड़ा, उठा फिर दुर्योधन को बचाया। वो असुर भी बोलता है, कोदाला असुर भी बोलता है ये राजपुत्र है और इसका मांस खाने से बड़ा मीठा होगा। ब्राह्मण और राजपुत्र का मांस को खाने के लिए जितने भी असुर है सारा महाभारत में उनका बड़ा इंटरेस्ट है। ये एक जगह में कम से कम 300-400 जगह में लिखा होगा, डॉक्टर साहब उसका काउंट करेंगे कितना है, उनका काम है मेरा नहीं है, हम तो बैंक ऑफिसर है। तो यही बात है। तो देर आर मेनी एपिसोड दी जाती वेरिएशन सब व्यास महाभारत। हाउ ब्यूटिफुली ओरिया महाभारत सरला महाभारत हैज बीन नरेटेड बाय सरला दास एसोसिएटिंग दी फोक एलिमेंट्स एंड क्लासिकल एलिमेंट्स। कैरेक्टर्स ले लिया, कैरेक्टर्स आर कंस्टेंट बट दी फंक्शंस आर डिफरेंट वेरिएशंस। तो जो कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स का जो मजा है, जो जो सरला महाभारत की मॉर्फोलॉजी में आपको मिलता है, उसको अगर हम ऐसे थोड़ा बहुत आप तुलना करके निकालेंगे तो वेरिएशंस का मतलब यही है कि कौन सा चीज व्यास में नहीं है और कौन सा चीज उड़ीसा में है। अगर उड़ीसा में है तो ये क्यों है, उसका सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, अगर इतने हम चर्चा कर लेते हैं तो शायद बहुत अच्छे अच्छे पेपर हमको मिल जाएंगे। ऐसी बंगला में और छत्तीसगढ़ का तो मैं इतना सामान लू हाँ रायपुर में जाए, बिल्कुल रामना रायपुर में बैठा बैठे के चाय समोसा खा के हम छत्तीसगढ़ की महाभारत के बारे में चर्चा करेगा, यही बात है। तो मेरा ये एक दो एग्जाम्पल इसलिए देना था, बाबा जी जी पटनायक जी और भाई ना तो हमारा बड़ा भाई है, आप लोग बहुत काम किए। और डॉक्टर नकवर सत्यवर्ती पुराण परिशीलन नाम का एक किताब 34 साल पहले लिखे थे और उन्हीं की किताब पढ़ के हमने अपना पीएचडी भी किया, लेकिन वो भाषा तत्व में फंस गए। तो
तो अभी अगर ऐसा आदमी के ब्रेन में सारला मावरा तो उड़ीसा का मिथोलॉजी को जो नॉलेज है उसके ऊपर अगर कुछ ऐसा मिलता तो देयर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन द सीनियर राइटर्स एंड द जूनियर राइटर्स. नाउ द जूनियर राइटर्स आर नॉट रेडी टू रीड ऑल दिस थिंग्स. आपने कहा ना बीच में की किताब की जरूरत होता है. मूल व्यास संस्कृत महाभारत को पढ़ने की जरूरत नहीं. आपने संस्कृत महाभारत का कोट किया है उसको मैं नवीन लिख दूंगा, हो गया संस्कृत महाभारत का मेरा पढ़ाई. ये जो की पकड़ना होता है इसको जो मेन टेक्स्ट से अलग नहीं पढ़ के दूसरा कुछ पढ़ते हैं यही प्रॉब्लम है. सेनेका भी कहा था 2000 साल पहले अच्छे किताब पढ़ो. किताब तो बहुत मिलेगा लेकिन अच्छा किताब ढूंढ कर पढ़ना मुश्किल की बात है. तो हमको अच्छा बुरा सब मिल जाता है. इसीलिए मैं प्रतिस्पर्धा के ऊपर लिखना पूछ दिया क्योंकि मुझे कोई बुरा किताब मिल गया होगा. यही बात है. तो ठीक है, मेरा जो बोलना था एक तो एग्जाम्पल इसलिए मैं देना चाहता था कि हाउ टू फाइंड आउट द वेरिएशंस एंड व्हाट आर द ब्यूटी द यूनिकनेस ऑफ आवर सरला महाभारत, छत्तीसगढ़ी महाभारत, मैथिली महाभारत और बंगला महाभारत. इसका जो दो पक्ष मिला, एक तो टेक्स्ट अपनी संस्कृति को कैसा निर्माण करता है जो कि डॉक्टर चित्रंजन करने का, और दूसरा है इंद्रनील और नवीन जी वो जो कहे कि कंटेम्पररी टाइम में झा साहब का पेपर भी स्वतंत्रता संग्राम के साथ महाभारत का जो संपर्क, गंगाधर मेहर भी किए हैं ऐसा जो भारतीय भावना लिखे हैं. तो ये सारे चीज को अगर हम देखा जाए तो महाभारत है इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट टू आवर कंटेम्पररी टाइम आल्सो. सो इन आवर वेरिएशंस आल्सो वी हैव टू शो दैट हाउ द मॉडर्न लिटरेचर हैज आल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंशिएंट रीजनल महाभारत. सो आफ्टर दिस मैं अभी 11:30 हुआ है, मैं आधा घंटा आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर हम चर्चा करें कि हम पेपर का स्वरूप क्या होना चाहिए.